जिले में मानसून दस्तक देने वाला है, जिसके चलते प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। तो वहीं विद्युत मंडल बरसात से होने वाली विद्युत रोधक की समस्या से अनभिज्ञ बना हुआ है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना होता है। दरअसल विद्युत विभाग के द्वारा हर वर्ष बरसात के पहले ही सभी विद्युत लाइनों व खम्भों को व्यवस्थित कर लिया जाता है, लेकिन इस बार कोई भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं किया गया। शायद केवल कागजों में ही पूरा मेंटेनेंस किया गया है, जिसका परिणाम सामने है कि अभी भी शहर के बिजली खम्भों में लगी तारें अव्यवस्थित हैं व कई ट्रांसफार्मर अभी भी खुले पड़े हैं, जो किसी भी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। तो वहीं शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगे विद्युत पोलों के तार लटके हुए हैं। अब अगर यही तार अचानक टूटकर सड़क पर गिर जाएं तो कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है, तो वहीं जनहानि भी हो सकती है और इसका जिम्मेदार विद्युत विभाग होगा। ये बात तो बहुत पहले से ही जरूरी था कि इस सबको सुधार किया जाए। इलेक्ट्रिसिटी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आज भी सुधार कार्य नहीं किए गए। कारण ये है कि विद्युत तारों को आप देखिए, जितने भी खंभे लगे ये पुराने समय के, लेकिन जो नए भी लगे हुए वो व्यवस्थित नहीं लगे। तार अगर कटा हुआ कोई रोड पर टच करता हुआ मिल जाएगा, और अगर पानी भरता, यहाँ का वाटर लेवल देखिए इस कैंपस में, पूरे संस्कारधाम में अगर पानी का, अगर एक सीजन चालू हुआ तो फर्स्ट सीजन में आपको ये बात सत्य हो जाएगी। अगर कोई पानी गिरता हुआ यहाँ का पानी भरा हो देखते हुए नज़र आएगा, और अगर पानी का तार में टच हुआ तो ये मान के चलिए मार्केट में करंट फैल जाएगा, और मार्केट में करंट फैल जाएगा तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी जनहानि होगी।